नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ टैगोर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज नेवी का रिजल्ट आया है, उसी रिजल्ट में हमारे संस्थान से पढ़े हुए कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आज हम उनसे जानेंगे उन्होंने किस तरह से तैयारी की, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, जो कि आज वो नेवी के फाइनल रिजल्ट में सिलेक्ट हुए हैं। अब वो इंडियन नेवी में अपनी सेवा देंगे। ये है कैंडिडेट, उनमें से कुछ कैंडिडेट हमारे पास हैं जो अभी प्रेजेंट थे हमारे संस्थान में और कुछ अभी घर गए हुए हैं। जो प्रेजेंट हैं मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। ये है आशीष और ये है आयुष जागीर। ये दोनों कैंडिडेट हमारे संस्थान में रह के इन्होंने तैयारी की थी और आज ये फाइनल रिजल्ट में पास हुए हैं नेवी के। आशीष, आप अपना छोटे शब्दों में परिचय दें, कहाँ से हैं? मेरा नाम आशीष है, मेरे पिताजी का नाम सुखदेव जी है। मैं जोधपुर के छोटे से गांव बनाट से बिलोंग करता हूँ। बनाट से? हाँ जी। और मैंने इस संस्थान में रह के पिछले 6 महीने से रह के इसी संस्थान में मैंने तैयारी की है। आज आप नेवी में सिलेक्ट हुए? नेवी में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। ये है आयुष जांगीर, आप भी अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम आयुष जांगीर है, मेरे पापा का नाम ओम प्रकाश जांगीर है। मैं सीकर जिले के मंडा सुरेरा गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने नेवी के प्रथम पड़ाव में पास हुआ था, फिर हमारे जामनगर सेकेंड फेज के लिए। चलो ठीक, बाकी हम इनसे जानते हैं किस तरह से इन्होंने तैयारी की, क्या रहा। ये सीकर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अगर मैं आयुष साहब से बात करूं तो इसमें कितने एग्जाम होते हैं नेवी में? नेवी में सर दो एग्जाम होते हैं। दो एग्जाम होते हैं, पहला एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना? यस सर। अच्छा, पहले एग्जाम में कोई मेरिट लगती है या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं? पहले एग्जाम में सर क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। कितनी कट ऑफ गई थी उसमें? 31.5। 31.5? अच्छा, आपके कितने मार्क्स थे उसमें? मेरे 40 मार्क्स थे। अच्छा, और आपके आयुष वो आशीष? मेरे 32 मार्क्स थे सर। 32 मार्क्स थे और 31.5 कट ऑफ हुई थी। अच्छा, यानी कि आपने कट ऑफ ही क्लियर कर पाई थी। बिल्कुल। अगर उसके बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए हमको जामनगर, राजस्थान के जो भी कैंडिडेट नेवी फर्स्ट फेज को क्वालिफाई करते हैं उनके लिए जामनगर सेंटर बनता है, यही है ना? बिल्कुल। तो वहां पर आपका क्या क्या हुआ था? वहाँ पहले फिजिकल हुआ, फिजिकल में रनिंग हुई और फिजिकल फिटनेस वगैरह टेस्ट हो गया। उसके बाद नॉर्मल मेडिकल हुआ, जैसे हाइट चेक, चेस्ट चेक वगैरह, और बाद में वो टेस्ट हुआ। एक हुआ एग्जाम, फिर से हुआ जो आप कहें तो उसको मेंस कह सकते हैं, मतलब तो आपको वो फाइनल टेस्ट होता है। फाइनल टेस्ट होता है, तो आपकी जो मेरिट लगी है वो फाइनल टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी इसमें आपके कितने मार्क्स आए? इसमें मेरे अप्रोक्स 65%। 65, तो आपके 32 मार्क्स थे। 32, तो ये डबल कैसे? ये मतलब पिछले एक महीने में मेरे को लगा कि आगे वाली कट ऑफ थोड़ी टफ लगेगी, इसलिए कोचिंग में वो जो नोट्स मिले उनको सही तरीके से पढ़ा, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उनका टाइम टेबल को फॉलो किया, तथा जो भी प्रैक्टिस सेट हमको मिलते थे उनको बढ़िया तरीके से किया। ये तो आशीष के काफी अच्छे मार्क्स बने 65%, तो क्योंकि अगर इनके 32% थे प्री में और 32 से 65 पहुंचना, तो कहीं ना कहीं तैयारी ठीक थी, कहीं ना कहीं संस्था का आपको इस तरह से नोट्स दिए गए और उनका आपका योगदान रहा। बिल्कुल। और अगर हम आयुष आपसे बात करें तो आपके सेकंड स्टेज में कितने थे? मेरे सर सेकंड स्टेज में 56 नंबर थे। 56 मार्क्स थे, यानी राजस्थान की जो कट ऑफ गई है वो 50 बन गई है और आपके 56 मार्क्स थे, आपने भी कट ऑफ क्लियर करी है। और आपके उसमें प्री में कितने थे? मेरे 40 नंबर थे। 40, चलो फिर भी कहीं ना कहीं 40 मार्क्स लाने के बाद 56 तक पहुंचने के लिए आपको 16 नंबर को आगे बढ़ाना था, तब आप यहाँ तक पहुंचे हो। अगर बात करें तो 11 नंबर तो चाहिए ही थे आपको। यस। तो ये कट ऑफ गई है 51 और इनके 65 थे और इनके 56 मार्क्स थे। आशीष, अगर हम बात करें यहाँ संस्था की जहाँ आपने रह के तैयारी की है, टैगोर कोचिंग सेंटर, तो यहाँ का क्या योगदान रहा? यहाँ का सबसे बढ़िया योगदान हमारे लिए था टाइम मैनेजमेंट। मतलब जैसे यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जो अपना टाइम शेड्यूल था, उसके अनुसार रहना, उसके अनुसार अपने आप को ढालना, वो ही मेरे को सबसे उस चीज का कहीं ना कहीं आपको फायदा हुआ। फायदा हुआ मेरे। आज देखा है अक्सर कि अगर हम बात करते हैं तो कि इन्होंने 32 मार्क्स के बाद 65 मार्क्स लेके आए हैं, अगर ये तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का फायदा हुआ है। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट और ये संस्था के ये चीज़ें अहम हैं जिसकी वजह से आज ये फाइनल सिलेक्शन हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपके ये इनके ज्वाइनिंग लेटर हैं,
मैं इनको इनके ज्वाइनिंग लेटर यहीं दे देता हूँ। ये आयुष का, ये आपकी ज्वाइनिंग है चिल का और 9 नवंबर को है, और आप आशीष आपकी 11 नवंबर को है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, आगे आपकी जो टाइम बचा है इसको थोड़ा सा सही से यूज करना, बचना, क्योंकि आपको वहाँ भी आपका एक नॉर्मल प्री मेडिकल होना है, तो जिसकी वजह से कहीं भी अब आपकी छुट्टी होगी दिवाली, आप घर जाओगे, घर पर ही रहना है, बाकी पटाखे वटाखे से बच के रहना, जिससे क्या है कि आप वहाँ पर सही सलामत ज्वाइनिंग कर सको। कुछ चीजें इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो हम आपको दे देंगे, वो आप देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कराने, वो बता देंगे संस्था में आपको। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये कैंडिडेट थे, इन्होंने हमारे संस्थान में रहकर तैयारी की थी और आज ये फाइनल रिजल्ट में पहुंचे हैं। हमारे संस्थान में और भी बैच चल रहे हैं, जैसे नेवी का आगे जो एग्जाम आएगा उसके भी बैच स्टार्ट होंगे दिवाली के बाद में। एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, रेलवे के एनटीपीसी एएलपी, और अगर बात करें ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है उसका भी बैच स्टार्ट हमारे यहाँ हुए हैं। आरपीएफ का भी बैच चल रहा है अभी, एयरफोर्स के भी बैच चल रहा है अभी, और एयरफोर्स की वैकेंसी नेक्स्ट आएगी उसके लिए। अभी 16 तारीख से एग्जाम है, वो बैच हमारे यहाँ करंटली चल ही रहा है। इसी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।